दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है काला सूरज। ये सीक्रेट एजेंट सुलेमान की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है हवाई लुटेरे, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में, सीक्रेट एजेंट सुलेमान का फोल्डर है उसके अंदर, तो पहले उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। ये इसका फुल कवर है। यहाँ पर जो स्टोरी दे रखी है ये पहले पार्ट की है, तो पहले आप ये आपने पढ़ ली होगी, मैं आगे से पढ़ता हूँ। सर यहाँ तो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे हैं। हाँ, लेकिन अड्डे का गुप्त द्वार यहीं कहीं होना चाहिए। सुलेमान ने कंपास निकाला। अंगूठी यहाँ से इस तरफ 400 फीट की दूरी पर है। हाँ, सिर्फ 400 फीट। फिर वे दोनों कंपास के आधार पर आगे बढ़ने लगे। संभव है डाइन पहाड़ियों के बीच है, लगता तो ऐसा ही है। दोनों मैदान को पीछे छोड़ दो, पहाड़ियों के बीच उबड़ खाबड़ रास्ते से आगे बढ़ते चले गए। मुसाफिर, स्टैंड गन संभालो, यहाँ जंगली जानवरों का खतरा हो सकता है। ओके सर, मैं हर खतरे के लिए तैयार हूँ। सर किधर जाए? सर आगे तो रास्ता बंद है। हूँ, मुझे सोचने दो। अचानक शेर की गुर्राहट से दोनों चौंक पड़े। गुर्र, शेर घबराओ नहीं, स्टैंड गन संभाल लो जल्दी। शीघ्र ही दोनों खतरे से जूझने के लिए तैयार हो गए। गुर्र गुर्र, दो शेरों की गुर्राहट मालूम पड़ती होती है। हाँ, शेर की ताक में लेटे हुए दोनों अपने सिर के ऊपर एक पेड़ पर बैठे दो खतरनाक रीछों से बेखबर थे। गुर्र, शेर बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? तभी सुलेमान और मुसाफिर को स्टैंगन इस्तेमाल करने का अवसर ही नहीं मिला। वे दोनों गुस्से से ही उनका मुकाबला करने लगे। ढ्यूम ढ्यूम, शीघ्र ही दोनों रीछों की खतरनाक गुर्राहट से सारी घाटी गूंजने लगी। ढ्यूम गुर्र ढ्यूम, सुलेमान और मुसाफिर के शरीरों पर स्पेशल पोशाक होने के कारण उन्हें खरोंचे तो नहीं आ रही थी, मगर लड़ते हुए वे बुरी तरह थक गए थे। ऐसे कब तक लड़ते रहेंगे? गुर्र, रीछों से लड़ने का यह पहला अवसर है। अचानक सुलेमान के हाथों में एक रीछ के दोनों जबड़े आ गए। गुर्र गुड़, अब नहीं बचोगे बेटा। और सुलेमान ने जानवर के दोनों जबड़े पकड़कर उनका मुंह फाड़ डाला। अगले पल वह जमीन पर चित पड़ा था। फिर वह मुसाफिर से गुथे रीछ की तरफ बढ़ गया और गला दबाते दबाते सुलेमान ने रीछ को मुसाफिर से अलग कर दिया। मुसाफिर उठो। गुर्र, थैंक यू सर। उठते मुसाफिर ने उसके सिर पर स्टैंड गन से प्रहार किया। ये ले, धड़ाम ची गुर। जो ही उन्होंने रीछों को समाप्त किया, शेर की गुर्राहट पुनः सुनाई देने लगी। फिर वही आवाज, हूं, आश्चर्य है, मुझे लगता है इसमें कोई राज है। राज? लेकिन कैसा राज सर? गुर, जब तक हम उन रीछों से लड़ रहे थे शेर की गुर्राहट बंद थी। ओ हाँ, सुलेमान को अचानक फिर कंपास का ख्याल आया। मुसाफिर, ये देखो, कंपास इन्हीं झाड़ियों की ओर इशारा कर रहा है। गुर्र, लेकिन ऐसे शेर की गुर्राहट? गुर्र, इन झाड़ियों में छुपे शेर को देखना होगा। क्या? फिर वे दोनों झाड़ियों के बीच से आती आवाज की ओर बढ़ चले। गुर्र, सर जरा संभल के, चिंता मत करो। कुछ दूर आगे चलकर उन्हें वह रहस्यमय शेर नजर आ गया। गुर्र, वो रहा, ताजुब है, हमें देखकर वह हिल तक नहीं रहा है। सांस कर सुलेमान शेर के समीप आ गया। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? गुर्र, घबराओ नहीं, असली नहीं, नकली शेर है, ये देखो। मुसाफिर भी पास आकर शेर को देखने लगा। गुर्र, इस नकली शेर को क्या अर्थ हुआ? नहीं समझे? षड्यंत्रकारी बहुत चतुर है, वह नहीं चाहता कि कोई इधर कदम भी रखे। यह शेर डराने के लिए यहां रखा हुआ है। सर, इसके दांत देखो, बहुत चमकीले हैं। गुर्र, मुझे तो लग रहा है इस शेर में ही कुछ रहस्य है। दोनों शेर का अच्छी तरह निरीक्षण करने लगे। अच्छी तरह जांच करना मुसाफिर। गुर्र, ओके सर। अचानक सुलेमान की उंगली शेर की आंख में चली गई, जिससे शेर का गुर्राना बंद हो गया। गुर्राहट बंद, आश्चर्य है। 2 सेकंड बाद पहाड़ घूम रहा है, गड़ गड़ गड़। देखते जाओ, मेरा ख्याल है हमें अड्डे का द्वार मिल गया है। और अगले पल उनके सामने पहाड़ की जगह एक लंबी चौड़ी सुरंग थी।
सुरंग सुरंग नहीं अड्डे का रास्ता कहो। अगले पल दोनों सुरंग के अंदर समा गए। यहां तो गुप्त अंधेरा है, कुछ देर बाद हमारी आंखें अंधेरे में देखने लगेगी। और उनके सुरंग के अंदर जाते पर्वत शिला घूमकर यथावत अपनी जगह पर आ गई। उधर बुचड़ गम और बहादुर का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उन्हें आए 20 मिनट हो गए हैं, वे अभी तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे? दूसरी ओर क्राइम ब्रांच के चीफ मिस्टर बनर्जी पुलिस डॉक्टर द्वारा लाई गई गम और बहादुर के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ रहे थे। उन दोनों की मौत किसी तेज जहर के खाने से हुई है। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद डॉक्टर आपकी क्या राय है, क्या जहर उनके पास पहले से ही मौजूद था? जी हाँ, उनके मुंह के अंदर जहर के कैप्सूल फिट थे। पुलिस डॉक्टर के जाने के बाद मिस्टर बनर्जी परेशान हो गए। सुलेमान ने कुछ संदेश नहीं भेजा। पी पी ओ ट्रांसमीटर पर कुछ संदेश आ रहा है। अगले पल सीट छोड़कर सामने दीवार पर टंगी तस्वीर को हटाने लगे। पी गुप्त ट्रांसमीटर पर सुलेमान ही होगा। दीवार पर लगी तस्वीर के पीछे गुप्त ट्रांसमीटर के एक स्विच को दबाते ही उसमें अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कर कर कर। एक क्षण बाद, हेलो हेलो, सीक्रेट एजेंट सुलेमान रिपोर्टिंग, ओवर। यस प्लीज रिपोर्ट, ओवर। सर, हमने षड्यंत्रकारी गैंग के गुप्त अड्डे का गुप्त रास्ता खोज लिया है। इस समय हम एक सुरंग नुमा रास्ते पर चल रहे हैं। चारों तरफ गुप्त अंधेरा है, ओवर। बहुत अच्छा, कोई परेशानी, ओवर। फिलहाल कुछ नहीं, काम और बहादुर क्या हुआ, ओवर। दोनों के मुंह में तेज जहर के कैप्सूल छुपे हुए थे, कुछ बताने से पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली, ओवर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नई जानकारी मिलने पर आपसे पुनः संबंध स्थापित करेंगे, ओके, ओवर एंड ऑल। सुलेमान ने ट्रांसमीटर बंद कर जेब में रख लिया। सर, लगता है कहीं रोशनी है, हाँ जरा सतर्क होकर चलना। सुरंग के समाप्त होते दोनों बाहर आकर चौंक पड़े। कोड नंबर प्लीज, मारे गए, इसे झांसा देना संभव नहीं। उसने अपना वाक्य एक बार फिर बोला। कोड नंबर प्लीज, मुसाफिर फायर, कौन हो तुम? ठाए ठाए। अगले पल गैस शियू। उसकी आंख से निकलने वाली गैस से उनकी पोशाक मोम की तरह पिघलने लगी। यह क्या? तो तुम गामा और बहादुर नहीं हो, मुसाफिर भागो। लेकिन कहाँ? भागने से भी जब तुम बच नहीं पाओगे। तभी लोहे के आदमी को की दूसरी आंख से भी गैस निकलने लगी। इस बार निकलने वाली गैस से उन्हें बड़े जोरों से खांसी होने लगी। खो खो खो। खांसते खांसते दोनों बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। मानव रूपी लोहे के उस यंत्र ने तुरंत ही बुचड़ को खतरे की सूचना प्रसारित की। खतरा, ट्रेन ट्रेन। बुचड़ प्रयोगशाला से बाहर निकल आया। जल्दी जाओ बाहर, ओ फौलाद से खतरे की सूचना मिली है। ओके बॉस। अभी लो बॉस। फौलाद तक कौन पहुंच सकता है? गम और बहादुर कहाँ गए? कुछ देर बाद वो देखो, दो आदमी बेहोश पड़े हैं। आओ चलकर देखते हैं। दोनों गंधारी बेहोश पड़े सुलेमान और मुसाफिर के समीप आकर उन्हें देखने लगे। ये यहां तक कैसे पहुंचे? फौलाद से पूछो, इसी ने इन्हें बेहोश किया होगा। दोनों गंधारी फौलाद की तरफ आकर्षित हुए। फौलाद, ये दोनों कौन है और यहां तक कैसे आए? ये दोनों गामा और बहादुर की पोशाकें पहने हुए थे। इनके द्वारा कोड नंबर नया बताए जाने के कारण मैंने इनकी पोशाकें गलाकर इन्हें बेहोश कर दिया। इन्हें मालिक के पास ले जाओ। दोनों गंधारियों ने सुलेमान और मुसाफिर को अपने कंधों पर लाद लिया और वापस दरवाजे की ओर बढ़ गए। उनके अंदर जाते फौलाद का दरवाजा बंद हो गया। बुचड़ रडार के पास ही चहलकदमी कर रहा था। गंधारियों को इस तरह दो अजनबियों को लाते देख वह चौंक पड़ा। कौन है ये दोनों? बॉस फौलाद ने बताया था कि ये दोनों गामा और बहादुर की वर्दी पहने हुए थे। गामा और बहादुर की वर्दी, लेकिन ये यहां तक कैसे पहुंचे और दोनों बेहोश क्यों हैं? बेहोश फौलाद ने किया है, दोनों अंदर आने की कोशिश में रहे होंगे। बुचड़ उन दोनों पर झुक गया। गम और बहादुर कहाँ गए? क्या उन्हें कैद कर ये उनकी जगह लेकर उड़न तस्तरी से यहां तक पहुंचे हैं? ये पुलिस के आदमी मालूम होते हैं, इनकी तलाशी लो। ओके बॉस। दोनों गंधारी उनकी तलाशी लेने लगे। ये देखो पिस्तौल,
बॉस ये देखो ट्रांसमीटर, तो मेरा संदेश सही निकला। गनधारियों ने सुलेमान और मुसाफिर को अच्छी तरह तलाशी लेकर उनकी जेब व सारा सामान निकाल लिया। ट्रांसमीटर, कंपास, पिस्तौल, ये दोनों बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन्हें जंजीरों से जकड़कर खंभे के साथ बांध दो। बहुत अच्छा बॉस, ओके बॉस। और सीक्रेट एजेंट सुलेमान तथा मुसाफिर नंगे धड़ंगे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में कैद हो गए। अब इन्हें होश में लाना जरूरी है। और फिर वह उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगे। पहले होश आया सुलेमान को। हैं जंजीरे, हमारे कपड़े, कौन हो तुम? हमारा सारा सामान इनके कब्जे में, अब झूठ नहीं चलेगा। हम प्राइवेट जासूस हैं। झूठ? प्राइवेट जासूस इतना खतरा मोल कभी नहीं लेता। फिर बूचड़, पागल वैज्ञानिक हो, बूचड़ के आगे तुम्हें सच बोलना ही होगा। तभी मुसाफिर को भी होश आ गया। बूचड़ मुसाफिर के शरीर को भी पंजे से छलनी करने लगा। सुलेमान और मुसाफिर के शरीर लहूलुहान हो गए। यदि तुमने अभी भी झूठ बोला तो मैं तुम्हारे शरीर में पिसी हुई मिर्ची डाल दूंगा। नहीं, इसे सच बताना ही होगा। सुलेमान को सच बोलना पड़ा। हम भारतीय जासूस हैं, चिंता मत कर, तेरी दाढ़ी को माचिस दिखाकर रहेंगे। भारतीय जासूस हूँ। गम और बहादुर कहाँ है? यह पागल वैज्ञानिक है, गम और बहादुर के बारे में झूठ झूठ बोलना होगा, अन्यथा उनकी मौत की खबर जानकर यह कुछ भी कर सकता है। वे दोनों भारत में कैद हैं। उड़न दस्तरी से उतरने के बाद तुम यहां तक कैसे पहुंचे? सुलेमान ने पूरा विवरण बुचर्ड को क्या सुनाया। यह आने के बाद कोई क्या तुमने बार को संदेश भेजा है? नहीं, समय ही नहीं मिला। तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथ में, जैसा मैं चाहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम हमसे क्या चाहते हो? पागल, लगता है इसे झांसा दिया जा सकता है। बूचड़ उनके और समीप आ गया। इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत बहादुर हो, और मैं बहादुर व्यक्तियों की इज्जत करता हूँ, इसलिए तुम्हें अपने लिए काम करने का ऑफर दे रहा हूँ। हमारे लिए अच्छा ही है, इसके सिवाय इस समय कोई रास्ता भी नहीं है। यदि तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें एक अनोखी जिंदगी दूंगा। मना करने पर तुम्हें मुझसे मौत ही मिलेगी। हम तैयार हैं, अब जल्दी से हमारे हाथ खोलो। तभी बुचड़ पागलों की तरह हंस पड़ा। हा। फिर एकाक उसके सी पर जैसे ब्रेक लग गया। मुझे बेवकूफ मत बनाओ बनाओ, जब तक मेरा अभियान सफल नहीं होता तुम्हें इन जंजीरों से मुक्ति नहीं मिलेगी। इन्हें मौत के घाट उतार देना चाहिए, ये खतरनाक साबित हो सकते हैं। तुम करना क्या चाहते हो? बुचड़ हाथ में लगे पंजे को निकालते हुए बोला, मैं कैसे सूरज का निर्माण कर रहा हूं जिसे देखने वाला हर प्राणी अंधा हो जाएगा? असंभव। लेकिन क्यों? बुचड़ ने सामने खड़े गंधारियों को आज्ञा दी, इन्हें प्रयोग रूम में ले चलो, आज अमावस्या है, इन्हें भी हम अपना चमत्कार दिखाएंगे। ओके बॉस। प्रयोग रूम? बुचड़ फिर रुका नहीं। गंधारी सुलेमान और मुसाफिर को खंभों से आजाद कर प्रयोग रूम की तरफ ले गए। सुलेमान और मुसाफिर कोट भाषा में बातें करते हुए जा रहे थे। कोई शरारत मत करना, अभी समय नहीं है। ओके सर। कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ये दोनों समझ में नहीं आ रहा। प्रयोग रूम में यह जैसा कह रहा वैसा ही कर डालेगा। यह कैसी मशीन है? मेकर, इन्हें रंगीन चश्मे पहना दो। ओके बॉस। कुछ देर बाद सुलेमान और मुसाफिर भी बूचड़ की तरह रंगीन चश्मे पहने हुए थे। यह काली वस्तु क्या है? हमें चश्मे क्यों पहनाए गए हैं? देखते रहो। मशीन के ऊपर यह गोल काली वस्तु ही सूरज है। इस स्विच के दबाते ही यह गर्म होना शुरू हो जाएगा और इसका रंग लाल होने के साथ साथ आकार भी बढ़ने लगेगा। अगले पल बूचड़ ने मशीन पर लगा एक स्विच दबा दिया। तुरंत सूरज का आकार बढ़ने लगा, लाल हो रहा है, आकार भी बढ़ रहा है, और 2 मिनट बाद वह 10 गुना बड़ा हो गया। अब यह उड़ने के लिए तैयार है। काश हम इस समय कुछ कर पाते, इससे कई प्राणी अंधे हो जाएंगे। बूचट मशीन के यंत्रों से खेलने लगा। यह वायुमंडल में पृथ्वी से 200 फीट ऊपर जाकर स्थिर हो जाएगा। यह वायुमंडल में कितनी देर तक रहेगा?
यह सिर्फ 10 मिनट तक वायुमंडल में टिक पाएगा, उसके बाद यह ठंडा हो जाएगा और इसके हजारों टुकड़े हो जाएंगे। ठीक 10 मिनट बाद धड़ाम, बुचट ने अपना रंगीन चश्मा उतार दिया। इन चश्मों की वजह से हम अंधे होने से बच गए हैं, तो चश्मों का यह रहस्य है। मेरा असली काला सूरज 15 दिनों में तैयार हो जाएगा। काला सूरज? क्या काला सूरज ही कोड नंबर है? हाँ, अब अधिक सवाल मत पूछो। मुझे अभी तुम पर पूरा विश्वास नहीं है कि तुम मेरे लिए काम करोगे ही, लेकिन हम कब तक इन जंजीरों में जकड़े रहेंगे? जंजीरें खुल जाए तो फिर देखना। बूचट ने दीवार से मेरे हाथ से कुछ किया फलस्वरूप। यस बॉस, इनका ट्रांसमीटर लाओ। ट्रांसमीटर? यह करना क्या चाहता है? गंधारी के ट्रांसमीटर लाते ही ट्रांसमीटर पर अपने बॉस से संबंध स्थापित करो, लेकिन याद रहे जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करना। लेकिन हमारे तो हाथ बंधे हैं। लेकिन बूचट और सुलेमान के झांसे में नहीं आया। बात मुंह से की जाती है हाथों से नहीं, लेकिन मुझे बात क्या करनी है? अपने बॉस से कहो गामा और बहादुर को सुरक्षित वापस भेज दो। ओके। सुलेमान क्या करता, वह मजबूर था। हेलो हेलो सुलेमान, रिपोर्टिंग ओवर। यस रिपोर्ट प्लीज। बहुत अच्छा सर, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। हमारी जिंदगी अब गामा और बहादुर को जो आपकी कैद में यहां तक सुरक्षित वापस लौटाने पर निर्भर है। ओवर। सुलेमान की बात सुनकर क्राइम ब्रांच के चीफ मिस्टर बनर्जी का दिमाग चक्कर खा गया। गामा और बहादुर, सुलेमान यह क्या कह रहा है, जबकि उसे मालूम है कि दोनों मर चुके हैं। जरूर कोई गड़बड़ है, मुझे झूठ ही बोलना चाहिए, लेकिन वे दोनों बहुत गंभीर है। 2 हफ्ते से पहले वे कहीं नहीं जा सकते। ओवर। अब ट्रांसमीटर पर बूचट बोल रहा था। हेलो, तुम जो भी हो, लेकिन मैं इतना बता दूं, यदि तुमने मेरे आदमियों को आज से 15 दिन अनमुक्त 15 दिन कैद बाद मुक्त नहीं किया, तो मैं इन दोनों छछूंदरों की कब्रें खुदवा दूंगा। और याद रहे, उन्हें छोड़ने के बाद उनका पीछा मत करना। तो सुलेमान और मुसाबिद फंस गए हैं। अपनी बात समाप्त करते ही बूचट ने ट्रांसमीटर बंद कर दिया। इनके आत्माओं खोलकर नियकाल कोठरी में डाल दो। ओके बॉस। तभी मुझे सिगरेट की तलब लगी है, कृपया मुझे मेरा सिगरेट केस व लाइटर दे दें और कपड़े भी। काश इसे इनकी जांच करने का ख्याल न आए। इस बार बूचट सुलेमान के झांसे में आई गया। बिना सिगरेट केस व लाइटर की जांच किए उसने सुलेमान को दोनों चीजें वापस लौटा दी। अब हम आसानी से अपना काम पूरा कर सकेंगे। अगले पल गंधारे उन्हें काल कार कोठरी की तरफ ले गए और उन्हें कोठरी में बंद करके निश्चिंत हो वापस लौट आए। उधर कोठरी में बंद सुलेमान ने अपना अंतिम हथियार निकाल लिया। उसके सिगरेट केस में 5 हथियारों से युक्त 5 सिगरेटें थी। पहले सिगरेट को वह किसी वस्तु को समाप्त करने के लिए बम के रूप में इस्तेमाल करता था। दूसरे सिगरेट का धुआं जहरीला होता था। तीसरी सिगरेट में एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर होता था, जिसे वह अपने लाइटर में लगे एक अन्य ट्रांसमीटर से जोड़कर कोड नंबर में संदेश भेजता था। चौथे में पेंसिल टॉर्च और पांचवे में एक शक्तिशाली टेप रिकॉर्डर होता था। मैं चीफ को कोड भाषा में संदेश भेजता हूँ। उधर चीफ सिगार पर सिगार पी रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, ऐसी समस्या आज तक नहीं आई। तभी ट्रेन ट्रेन है तो सुलेमान सचमुच खतरे में है। अगले पल चीफ के सिगार बॉक्स ने एक नया रूप ले लिया। फिर चीफ अपने सामने ग्राफ पेपर जैसी वस्तु पर उभरती टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को पढ़ता रहा। बूचड़, पागल वैज्ञानिक, काला सूरज, ओ हम समझ गया। इस घटना के ठीक 15वें दिन, कोड नंबर प्लीज, काला सूरज, और वे बड़ी आसानी से अंदर प्रवेश कर गए। उनके अंदर आते उन्हें मिलने वाला पहला व्यक्ति बूचड़ ही था। गम्मा और बादू, तुम दोनों ठीक समय पर पहुंचे हो, आओ प्रयोग रूम में चलें। ओके बॉस। प्रयोग रूम में, आज मेरा काला सूरज पूर्ण हो चुका है। अब से 5 मिनट बाद वह वायुमंडल में होगा और सारी दुनिया को अंधा कर देगा। इन दोनों जासूस कुत्तों को सारी दुनिया की बर्बादी दिखाने के लिए यहां लाकर बांध दिया है। तुम दोनों भी चश्मे पहनकर यहीं रहोगे।
ओके बॉस। उधर जंजीरों में बंधे सुलेमान और मुसाफिर सोच रहे थे, हम दोनों बिल्कुल गम और बहादुर लग रहे हैं। बूचट के आदेश पर बहादुर व गामा ने भी चश्मे लगा लिए। मेरा गला शुष्क हो रहा है, कृपया मेरी जेब से मुझे एक सिगरेट पिला दो। बहादुर, इसे सिगरेट निकाल कर दे दो। ओके बॉस। सुलेमान धीरे से फुसफुसाया, बाई तरफ से पहले सिगरेट। समझ गया सर। किसी भी आशंका से बेखबर बूचट उन्हें काला सूरज के बारे में बताता गया। धरातल से हजारों फीट ऊपर जाकर यह सूरज असली सूर्य की गर्मी पाकर अपने आकार से 1000 गुना बड़ा हो जाएगा। फिर 8 घंटे में सारे विश्व का एक चक्कर लगाने के बाद यह नष्ट हो जाएगा। फिक्र मत करो बेटा, आग बारूद तक पहुंचने वाली है। अभी तुम्हारे सारे अनुमान चौपट किए देता हूं। और इससे पहले कि बूचड़ अंधा करने वाला सूरज छोड़ता, सुलेमान द्वारा हवा में फेंकी गई बम वाली सिगरेट काले सूरज से टकराई। धड़ाम। बूचड़ बौखला गया, बहादुर गामा, इन दोनों को शूट कर दो जल्दी। गामा और बहादुर की पिस्तौल ने आग उगल दी, ठाए ठाए। लेकिन उनका निशाना सुलेमान और मुसाफिर नहीं, उनके हाथों और पैरों पर बनी जंजीरें थी। जंजीरें टूटते हुए आजाद हो गए। शहबाज सर पिस्तौल। और इससे पहले ही बूचड़ कुछ समझ पाता, कैसी रही मिस्टर बूचड़, अब बोलो कैसा सुलूक किया जाए तुम्हारे साथ। ओह, तो एक गम और बहादुर नहीं, तुम्हारे साथी हैं। हाँ, दुनिया को अंधा करने वाले, मरने के लिए तैयार हो जा। ठाए ठाए। हा, आह, यह तुम्हारा भरम है, तुम्हारी गोली मेरे शरीर तक नहीं पहुंच सकती। बूचड़ के हंसने के साथ ही कमरे में हल्का सफेद धुआं भरने लगा। ठाए ठाए। खो खो खो। मैं बहादुर इंसानों की इज्जत करता हूं, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं, शायद तुमसे टकराने का फिर अवसर मिल जाए। और उस धुएं के बीच बूचट ने जाने कहां गायब हो गया। खो खो खो। बूचट गायब हो गया, उसे छोड़ो, सांस मत लेना, ये बेहोशी की गैस है। गम और बहादुर के रूप में आए दोनों व्यक्ति धुएं के कारण शीघ्र बेहोश हो गए। फिर सुलेमान और मुसाफिर उन्हें उठाकर जो ही बाहर निकले। हैंड्स अप है, कोई शरारत नहीं, चुपचाप हमें सुरक्षित बाहर ले चलो। बाहर जाकर उन्होंने दोनों गंधारियों को भी समाप्त कर दिया। आह ठाए ठाए। आह, अपराधी का साथ देने वाला भी अपराधी ही होता है। गंधारियों को समाप्त कर सुलेमान और मुसाफिर उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगे। है, हम कहाँ हैं? अब हम सुरक्षित हैं, जल्दी उठो, अब शायद हमें कई दिन तक पैदल ही चलना होगा। 4 दिन नेपाल तक पैदल चलने के बाद वे 5वें दिन दिल्ली पहुंचे। बूचट का प्रयोग विफल कर तुमने सारे विश्व को अंधा होने से बचा लिया, लेकिन सर अफसोस तो इस बात का है कि उसे न तुम पकड़ ही पाए और न ही मार ही सके। अपने वैज्ञानिक चमत्कार के बल पर वह न जाने उस कमरे से कैसे और कहां गायब हो गया था। और इस तरह पागल वैज्ञानिक बूचट का विनाशकारी प्रयोग विफल रहा। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स भी यही समाप्त होती है, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।